नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हफ्ते में 7 दिनों का काम होना चाहिए, और बिल गेट्स कहते हैं कि ये 3 दिन होना चाहिए, 7 दिन नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, कितना काम काफी होता है ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सच में आपको करना पसंद है, अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो वास्तव में मायने रखता है, अगर आपको एहसास है कि जो आप कर रहे हैं वो वाकई महत्वपूर्ण है, तो 70 घंटे भी बहुत कम है। हफ्ते में ये सिर्फ 70 ही क्यों होना चाहिए? आपको इसे ऐसे आंकने की जरूरत ही क्या है? मतलब अगर आप वो कर रहे हैं जो आपके और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए वाकई मायने रखता है, तो उसे घंटों में आंकने की क्या जरूरत है? इसे घंटों से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ जीविका चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो जरूर आप हमेशा देखेंगे कि कैसे घंटों को कम किया जाए। शायद इसलिए नारायण मूर्ति ने 70 घंटे कहा, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील राष्ट्र है और हम इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। अभी भी 40 से 50 करोड़ लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन सभी को अगर इसी जीवन काल में, हमारी पीढ़ी में, अपनी मूल सुविधाओं को पाना है, तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम ये नहीं सोच सकते कि आराम कैसे करें, हमें ये सोचना चाहिए कि काम कैसे करें और कितना करें। इसी तरह सभी राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। आज आप बात कर रहे हैं कि दुबई सुखद है, लेकिन जिस पीढ़ी ने इसकी रचना की है, आपको क्या लगता है कि वे सिर्फ दिन में 6 घंटे और हफ्ते में 5 दिन काम करते थे? नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स अभी ग्रह पर सबसे अमीर देशों में से एक है। आप पिछली पीढ़ियों से पूछिए कि उन्होंने कैसे काम किया। वो सभी दिन में 12-14 घंटे काम करते थे और उन्होंने एक महान राष्ट्र का निर्माण किया। अब हम सब बात कर रहे हैं कि कम से कम मेहनत कैसे करें। खैर, ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना और कितने घंटे काम करते हैं। सवाल ये है कि काम के लिए आपका नजरिया क्या है। पहली बात तो आप कुछ ऐसा कर ही क्यों रहे हैं जो आपके लिए मायने ही नहीं रखता? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए मायने रखता है, तो किसी और को घंटे तय करने की क्या जरूरत है? आप सबसे अच्छा जो कर सकते हैं आप वो करेंगे। अगर हर कोई वो कर रहा है जो वो अपने जीवन में सबसे अच्छा कर सकता है, उस काम में घिसटे बिना, घिसटते तब हैं जब आपको लगता है कि आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपके और आपके आसपास की हर चीज के लिए मायने रखता है, तो पूरी समस्या यही है। लोग बस जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए, तो जीविका चलाना आपके जीवन का केंद्र नहीं होता। आपको बस आजीविका के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको इसमें से अपना जीवन बनाना चाहिए। आप जो भी करते हैं वही आपका जीवन है। काम और जीवन कहाँ है? इसका मतलब है दिन में 8-10 घंटे आप जीते ही नहीं है, बाकी के 8 घंटे आप सोते हैं, तो आप जीते कब हैं? What is that? ये क्या है, काम या जीवन, क्या है ये? अगर आपका काम जीवन नहीं है, तो आप इसे कर ही क्यों रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार जब आप इस इंसान के रूप में यहाँ आ गए, तो आपको सिर्फ जीवन जीना चाहिए और हर चीज जो आप करें वो जीवन के लिए मायने रखना चाहिए, इस जीवन के और दूसरे हर जीवन के लिए भी। तब किसी को भी आपके काम के घंटे तय करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी क्षमता से सबसे अच्छा करेंगे। हर इंसान को अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए, न कि ये गिनते हुए कि मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए और कितने घंटे नहीं।